हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीपी एजुकेशनल जोन में। और आज का जो चैप्टर है आपका, आज का जो सिलेबस है वो आपका है इलेक्ट्रिसिटी, जो ये फिजिक्स का आपका सेकंड पार्ट। मैंने पहले पार्ट में आपको लाइट के बारे में लेकर आया था और दूसरे पार्ट में आपको किसमें लेकर आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये देख लीजिए, सबसे पहली बात इलेक्ट्रिसिटी जो आपका क्लास 8 के लिए, क्लास 10 के लिए और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। देखिए, जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात स्टार्ट होती है तो सबसे पहले एक पॉइंट आपका बनता है और उस पॉइंट को आप कहते हैं क्या, चार्ज। ध्यान रखिएगा, सुनने की बात है और हिंदी में आप इसे क्या कहते हैं, आवेश। एक्चुअली चार्ज या आवेश क्या होता है, देखिए यदि मैं बात करूँ, ये चैलेंज है मेरा कि जो आपका चार्ज होता है, जो आपका आवेश होता है, ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन। और एक्चुअली फिजिक्स में इतना नहीं आपको पता है कि चार्ज क्या होता है, बट क्या है कि इसके बिहेवियर से, इसके नेचर से हम चार्ज को डिफाइन करते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन एक आपका ऐसे ही फंडामेंटल फिजिक्स का क्वेश्चन है, मास, कि मास क्या है, द्रव्यमान क्या है, जबकि दो मासेस क्या होते हैं, यदि कोई भी दो मासेस है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, जो भी कुछ करते हो, लेकिन इनके बीच में एक फोर्स काम करता है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी, फोर्स करने के बावजूद यदि पूछ दिया जाता है कि मास क्या है, आप फंडामेंटली बताइए कि व्हाट इज अ मास, तो मेरा चैलेंज है शायद कोई नहीं बताएगा कि मास क्या है या चार्ज क्या है। लेकिन आइए हम इसके बिहेवियर से पता लगाते हैं कि एक्चुअली चार्ज क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम है मेरा क्या, इलेक्ट्रिसिटी, और ये मुझे पढ़ना है कि चार्ज किसे कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि जो चार्ज होता है, जैसे इसमें क्या होते हैं पार्टिकल्स को, दो चार पार्टिकल्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक पार्टिकल है जिसे प्रोटॉन कहते हैं, ए से प्रोटॉन हुआ, और एक और हमने क्या ले लिया, प्रोटॉन ले लिया, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो दो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में एक फोर्स काम करता है, एक बल कार्य करता है। ये दो पार्टिकल है तो इनके बीच में एक फोर्स कार्य करता है, एक बल क्या होता है, क्रियान्वित रहता है। तो यदि एक प्रोटॉन है, दूसरा एक प्रोटॉन है, तो जो प्रोटॉन होते हैं वे दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव होने के नाते ये एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर ढकेलते हैं, यानी इधर फोर्स, ये फोर्स इधर लगाएगा, ये फोर्स इधर लगाएगा, यानी ये एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर ढकेलते हैं। लेकिन जैसे ही आप दो इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो भी इसका भी चार्ज नेगेटिव होता है और इसका भी क्या होता है, चार्ज नेगेटिव होता है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा ये नेचर है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है। तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इसके भी दोनों चार्ज क्या है, सेम है, एक जैसे चार्ज है, इसका नेगेटिव है और इसका क्या है, नेगेटिव है। तो यहां भी ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर ढकलते हैं। लेकिन जैसे ही आप बदलते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक आपने प्रोटॉन ले लिया प्लस और एक आपने क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया माइनस, जब दो अलग अलग प्रकार के चार्ज आते हैं तो तुरंत ये दोनों चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। यानी यहाँ पर कौन सा फोर्स काम करता है, अट्रैक्शन होने लगते हैं, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, करीब आने लगते हैं। तो दोस्तों जो चार्ज है, एक्चुअली हम चार्ज किसे कहते हैं, तो आप समझ जाइए कि चार्ज क्या है, एक ऐसी चीज है जो किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में, किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स कार्य करता है उसे क्रिएट करती है, जो भी फोर्स कार्य करता है उसे क्रिएट करती है। यानी चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी विशेषता है जो दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स को क्या करती है, क्रिएट करती है। और वो जो फोर्स यहाँ पर होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो फोर्स होता है किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में, ये फोर्स आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रो स्टेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स कहलाता है, इलेक्ट्रो स्टेटिक फोर्स। किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स कार्य करता है, इलेक्ट्रिक पार्टिकल है यहाँ पर, इनके बीच में जो फोर्स कार्य कर रहा है उस फोर्स का क्या नाम होगा, इलेक्ट्रो स्टेटिक फोर्स, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, आप हिंदी में कहते हैं विद्युत बल। तो बाय डिफिनेशन आपने बहुत पढ़ा होगा कि कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, कुछ रॉड लिए, रॉड को उन्होंने कॉटन के कपड़े से, उलन क्लॉथ से उन्होंने रबिंग करना स्टार्ट किया, रगड़ना उस पर स्टार्ट किया, फिर उन्होंने देखा कि वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे कंडीशन है, यानी उनके बिहेवियर के, चार्ज का जो बिहेवियर होता है उसके आधार पर, उसके बेसिस पर चार्ज को यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है। तो हमने क्या बताया कि चार्ज एक प्रकार की क्या है, प्रॉपर्टी होती है, किसकी, किसी भी पार्टिकल की एक क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, एक विशेषता होती है, जो इनके बीच में जो फोर्स कार्य करता है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स कार्य करता है उसी फोर्स को क्रिएट करती है, ठीक है। एक ऐसी प्रॉपर्टी चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, चार्ज क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स कार्य करता है उसी फोर्स को क्या करती है, क्रिएट करती है, उत्पन्न करती है। तो हमने क्या बताया,
ध्यान रखना होगा आपको कि आपका जो प्रोटॉन होता है, ध्यान रखिएगा, जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है। ये नेचर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नेचर कह सकते हैं, इसकी प्रकृति क्या होती है। प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव, जिसे पी से दिखाया, और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। फंडामेंटली की मैंने बात किया, यदि फंडामेंटल का आप बात करेंगे कि चार्ज क्या है, तो आप डिफाइन नहीं कर सकते, उसके बिहेवियर के बेसिस पे आप चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। यदि फंडामेंटल में पूछ दूं फिजिक्स से कि व्हाट इज अ मास, तो आप मास को डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन दो मासेस के बीच में जो आपके फोर्स कार्य करते हैं उसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स कार्य करते हैं उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, उस फोर्स का मान निकाल सकते हैं। लेकिन एक्चुअली चार्ज क्या है फंडामेंटल पूछा जाए, एक्चुअली चार्ज मास क्या है यदि फंडामेंटल पूछ दिया जाए, तो शायद फिजिक्स में ऐसा डिफाइन अभी तक नहीं किया गया। हाँ, एज पर देयर बिहेवियर, यानी इसके बिहेवियर के आधार पे इतना जरूर बता दिया गया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो प्रोटॉन होता है आपका पॉजिटिव होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी चार्ज क्या है, चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है जो किसी पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स कार्य करता है उसको क्या करती है, क्रिएट करती है, उसको क्या करती है, उत्पन्न करती है। ठीक है, क्या करती है, उत्पन्न करती है। और वो फोर्स जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी कह सकते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की है या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की है, इनके बीच में जो फोर्स काम करता है वो जो फोर्स होता है वो क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं। और यही जो विद्युत बल होता है वही इन दोनों को क्या करता है, इनके बीच में लगा होता है। और वो किस कारण लगता है, तो चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब चार्ज के कारण होता है, क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टी ही ऐसी है कि किसी दो पार्टिकल्स के बीच में क्या करती है, वहां पर फोर्स क्रिएट करती है। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पर दोनों प्लस थे, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में आपने क्या देखा कि ये दोनों एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। ये आपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या देखा कि ये दोनों एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। लेकिन जैसे ही एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, आपने क्या देखा कि ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आते हैं। इसका कारण है, क्या कारण है, मैं अभी आपके दिखाता हूँ। ठीक है, ये आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा इतना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए। अब एग्जाम में जाते हैं, एक नंबर के मैं क्वेश्चन आता है आपका ऑब्जेक्टिव, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी बाई मिस्टेक आपसे गलतियाँ हो जाती हैं, तो बिल्कुल गलतियाँ नहीं करनी है और इसे ध्यान से देखना है। पूछ देता है कि दो प्रोटॉन के बीच में जो बल कार्य कर रहा है उस बल को क्या कह सकते हैं, तो नॉर्मल चीज़ है, दो प्रोटॉन के बीच में बल कार्य कर रहा है, आप कह दीजिए विद्युत बल है। किसी भी ऐसे विद्युत जो आपकी क्वांटिटी होती है उनके बीच में जो भी फोर्स कार्य करता है आपका विद्युत बल है, आप कह सकते हैं। देखिए, मैं नेचर की बात कर रहा था, किसका, जो आपके पार्टिकल्स हैं, जो आपके कण हैं, उनके नेचर की बात कर रहा था। तो सबसे पहले आप, हमने बताया था आपको प्रोटॉन, तो प्रोटॉन जो होता है आपका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसके पास कैसा चार्ज होता है, इसके पास आवेश कैसा होता है, तो धनात्मक आवेश होता है। लेकिन वही जब आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, नेगेटिव होता है, अर्थात नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी ये क्या होता है आपका धनात्मक आवेशित होता है, इसके पास ये धनात्मक आवेशित होता है, और ये क्या होता है आपका ऋणात्मक, ये क्या होता है आपका ऋणात्मक आवेशित होता है। यानी कह सकते हैं आप कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये क्या होता है आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये रहा इसका नेचर। अब क्या होता है कि दो जो प्रोटॉन होते हैं, दो प्रोटॉन दोनों एक्चुअली पॉजिटिव होते हैं, तो एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। ठीक है, लेकिन और जब दो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं तो ये भी एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। क्यों, आपने पूछ सकते हैं आपके क्यों ऐसा क्यों होता है, तो देखिए इसका मैंने बताया कि फंडामेंटल चीज है। ठीक है, आप इतना बस ध्यान रखिए कि ये जो दो प्रोटॉन है इसके पास चार्ज क्या है, सेम है, इसके पास भी पॉजिटिव है, इसके पास पॉजिटिव है, तो आपको ध्यान क्या रखना है। और यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन है तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी एक दूसरे को क्या करता है, दूर ढकेलता है, यानी आकर्षण नहीं करता है, क्या करता है, प्रतिकर्षण होता है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब दो आवेशों के पास, किसी भी आवेश के पास, यदि दो आवेश की आप बात करते हैं, यदि अलग अलग प्रकार के चार्ज हैं या एक ही प्रकार के चार्ज हैं, तो कंडीशन क्या बनता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग प्रकार के चार्ज हैं तो क्या करेंगे, पार्टिकल एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे नहीं, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे। लेकिन जैसे ही दोनों ही पार्टिकल्स के पास
एक ही प्रकार के चार्ज यानी सेम चार्ज आते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर ढकेलते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी कारण से प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को दूर ढकेलता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करता है, दूर ढकेलता है। लेकिन जैसे ही एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन आता है तो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, या एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन आता है तो एक दूसरे के क्या होते हैं, करीब आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव, अलग अलग प्रकार के चार्ज हो गए तो भाई आकर्षण होगा। देखिए यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, अलग अलग प्रकार के चार्ज हैं तो यहां भी क्या होगा, आपका आकर्षण होगा। लेकिन जैसे ही यदि दो प्लस प्लस चार्ज होंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, आकर्षण नहीं करेंगे, प्रतिकर्षण करते हैं। या दोनों माइनस माइनस हो गए तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे का प्रतिकर्षण। लेकिन एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ, या एक माइनस हुआ दूसरा प्लस हो गया, तो ये दोनों अलग अलग प्रकार के चार्ज आपस में क्या करेंगे, आकर्षण का काम करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर मैं एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से लिख दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि कब फोर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। यानी आकर्षण कब होता है ये पहले ध्यान रखिए, रिपेल नहीं, आप पहले ये ध्यान रखिए हिंदी में कि आकर्षण कब होता है। तो या तो पहला भी प्लस हो और पहला प्लस हो और क्या हो, दूसरा माइनस हो, तब आकर्षण होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बनता है, या तो पहला माइनस हो और दूसरा क्या होगा, प्लस हो। आकर्षण किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में तभी होगा फ्रेंड्स जब एक प्लस एक माइनस या एक माइनस एक प्लस होगा, यानी कह सकते हैं जब दो क्या होने चाहिए, दो अलग अलग क्या, दो अलग अलग आवेश हो, यानी पार्टिकल्स के पास जब दो अलग अलग आवेश होते हैं, एक के पास प्लस और एक के पास माइनस, अलग अलग आवेश होते हैं, तब क्या होता है, वहां पर आकर्षण होता है। और यदि अलग अलग आवेश नहीं है तब क्या होता है, ये ध्यान रख लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, वहां पर होता है आपका क्या, प्रतिकर्षण, जिसे आप क्या कहते हैं, रिपेल कहते हैं, और आकर्षण को आप क्या कहते हैं, अट्रैक्शन कहते हैं। अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण, और रिपेल मतलब क्या होता है, प्रतिकर्षण, यानी एक दूसरे को दूर ढकेलना। प्रतिकर्षण मतलब क्या होता है, दूर ढकेलना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दूर ढकेलना, ठीक है, एक दूसरे को दूर ढकेलना। तो प्रतिकर्षण कब होगा, जब पहला भी पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, ये पहला कंडीशन आपका। दूसरा कंडीशन, पहला भी नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, तब जाके क्या होगा, आपका प्रतिकर्षण होगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। देख लीजिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, आपको ध्यान रखना होगा, प्रतिकर्षण कब होगा, पहला भी पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, या दूसरे कंडीशन में क्या है, तो पहला भी नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव। यानी आकर्षण तब होता है जब दोनों ही चार्ज अलग अलग हो, और प्रतिकर्षण कब होता है, जब दोनों ही चार्ज क्या हो, एक प्रकार के, यानी सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, और डिफर चार्ज डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये आपको ध्यान रखना, ये रहा आपका चार्ज फ्रेंड्स। देखिए इससे बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक है, चार्ज हुआ, अब चार्ज के बारे में थोड़ा सा और हम पढ़ते हैं। देखिए क्या चार्ज में और भी टॉपिक आते हैं कि एक्चुअली जो चार्ज आपका होता है, जो आपका चार्ज होता है, इतना नाम तो इतना बड़ा है, जैसे आपने पढ़ा है ना एप्पल, ध्यान रखिएगा, आपने एक स्पेलिंग पढ़ा ना एप्पल, तो छोटे बच्चों क्या पढ़ाता है, ए फॉर एप्पल। आपने क्या पढ़ा, बॉय भी पढ़ा, ध्यान रखिएगा बॉय, तो छोटे बच्चों क्या पढ़ाया था भाई, बी फॉर बॉय। तो जैसे एप्पल को शॉर्ट में आप ए कह दिया, यहाँ पर बॉय को आपने शॉर्ट में बी कह दिया, ऐसे कैट को आप सी, डॉग को डी, एलिफेंट को ई कह देते हैं, उसी प्रकार इस चार्ज को कैसे डिनोट करेंगे, चार्ज को कैसे डिनोट करेंगे, यानी कैसे हम दिखाएंगे, तो चार्ज को कैसे दिखाते हैं आप, क्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, चार्ज को आप क्यू से दिखाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि कहीं लिख दिया ना क्यू, क्यों मतलब क्या हो जाएगा, वहां पर यदि इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, क्यों लिख दिया, तो क्यों का मतलब वहां पर क्या हो जाएगा भाई, आपका चार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये तो रहा इसका कैसे इसे आप डिनोट करेंगे, कैसे दिखाएंगे चार्ज। यदि आपको लिखना हो, मान लीजिए चार्ज, तो इतना बड़ा न लिख के आप वहां पर क्या लिख देंगे, क्यू लिख देंगे, क्या क्यू, क्यू फॉर क्या हो जाता है आपका, चार्ज होता है। अब आप कह सकते हैं सर ए फॉर एप्पल होता है तो सी फॉर चार्ज होता है, नहीं, ऐसे इसको मान लिया गया कि चार्ज को किससे डिनोट किया जाएगा, क्यू से डिनोट किया जाएगा, और हमेशा आपको क्यू से ही चार्ज को डिनोट करना पड़ता है, और यदि क्यू लिखा है तो आपको चार्ज ही वहां पर मानना पड़ता है। चलिए ये तो रहा आपका चार्ज का डिनोट, कि क्यू से आपने चार्ज को डिनोट कर दिया। लेकिन अब आगे हम पढ़ते हैं कि एक्चुअली जो आपके प्रोटॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके पास कुछ चार्जेस होते हैं, जो आपके प्रोटॉन होते हैं। मान लीजिए आपका हुआ क्या, प्रोटॉन, क्या हुआ आपका प्रोटॉन, और ये आपका क्या, देखिए यहाँ पर ये आपका रहा इलेक्ट्रॉन, दो चार्ज, दो पार्टिकल्स के बीच में हम बात करते हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन और ये आपका प्रोटॉन। आपको पता है कि जो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, तो ध्यान रखिएगा प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है ना, वो चार्ज आपका होता है 1.6 × 10⁻¹⁹,
ठीक है, 1.6 × 10⁻¹⁹। और देखिए आपने एक चीज पढ़ा है, यदि आपके पास लंबाई आती है तो आप कहते हैं, यदि हमने आपसे पूछा कि आप कितना किलोमीटर गए, कहाँ तक, कितनी दूरी आपने यात्रा की, तो आप कह सकते हैं, सर मैं 5 किलोमीटर से आ रहा हूँ। कितने दूरी से आ रहा हूँ? तो मैं 10 किलोमीटर, तुम कितनी दूरी से आ रहा हूँ? तो मैं 20 किलोमीटर से आ रहा हूँ। तो एक यूनिट आप इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो वैल्यू होता है आपका, जो यूनिक वैल्यू होता है, उसके साथ एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप मेजरमेंट का पता चलता है। ठीक उसी प्रकार से चार्ज का भी एक यूनिट होता है, ध्यान रखिएगा, इसे भी आपको समझना पड़ेगा। जो आपका चार्ज होता है, चार्ज का भी क्या होता है, एक यूनिट। इसे हम एक टॉपिक के नाम से देख लेते हैं, क्या, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट का मतलब क्या हुआ? मात्रक। कि चार्ज का मात्रक क्या होता है? तो चार्ज को आप क्यू से तो दिखाते हैं, लेकिन उसका मात्रक क्या होता है? तो जो चार्ज का मात्रक होता है उसे हम कहते हैं क्या, कूलाम। क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, चार्ज का मात्रक का नाम क्या है भाई, इसे हम कहते हैं क्या, कूलाम कहते हैं। और देखिए क्यू फार, तो आपका चार्ज होगा, यानी आपका क्या होगा, क्यू लिखा गया है तो आवेश कहलाएगा, लेकिन इस चार्ज का जो मात्रक होता है वो कहलाता है आपका कूलाम, और ये जो आपका कूलाम होता है वो सी से डिनोट किया जाता है। चलिए यहाँ पर तो आपका हो गया ना, जैसे सी फॉर कैट, तो यहाँ पर सी फॉर कूलाम, यानी यदि कहीं सी लिखा है मतलब वो क्या है, कूलाम को बता रहा है। किसको बता रहा है? कूलाम को। तो यहाँ पर देखिए, जो प्रोटॉन होता है आपका पॉजिटिव होता है, तो Q बराबर हो गया 1.6 × 10⁻¹⁹। लेकिन बस इतना ही सेव होगा नहीं, ये तो एक वैल्यू है ना, लेकिन इसके साथ आपको यूनिट की भी जरूरत होती है। आप किसका निकाल रहे हो? चार्ज निकाल रहे हो ना, तो यहाँ पर सी होगा, यानी एक प्रोटॉन के पास 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है। एक्चुअली देखो ये प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर हम प्लस लिखते हैं, लेकिन हम उसे दिखाते नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। ये क्या होता है? एक प्रोटॉन के पास चार्ज होता है। Q for charge 1.6 × 10⁻¹⁹ इसका वैल्यू, और C क्या है? कूलाम है। चार्ज का क्या है, हमने बताया ना, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलाम होता है, जिसे आप C से क्या करते हो, डिनोट करते हो। इसलिए ये चार्ज था, तो चार्ज का वैल्यू इतना था, तो इसका यूनिट हमने क्या लिखा, C लिखा, मतलब कूलाम लिखा, और क्यू से क्या होता है, आपका चार्ज होता है। एक चीज और यहाँ पर मैंने प्लस लगाया, प्लस इसलिए लगाया क्योंकि जो आपका प्रोटॉन होता है वो क्या होता है भाई, वो पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, प्लस लगाया। अब यही यदि चार्ज में इलेक्ट्रॉन के पास देखो तो वैल्यू वही सेम रहता है, 1.6 × 10⁻¹⁹। यहाँ भी कूलाम होगा क्योंकि ये भी चार्ज है, और चार्ज का यूनिट कूलाम ही होता है, तो यहाँ भी कूलाम होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋण आवेशित कण है। क्या है? ऋण आवेशित कण है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं भाई, यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं, यानी −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम है, तो आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा। और यदि यहाँ पर प्लस लगा देते हैं तो वही आपका एक प्रोटॉन का चार्ज हो जाता है। ठीक है, एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा, −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है कि आप उसके जगह पर ये वैल्यू रखिए ना, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। यदि इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा पूरा गुणा करने के बाद लास्ट में माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, यदि जैसा जैसा कंडीशन होता है, यदि मान लीजिए दोनों जगह माइनस में, यदि मान लीजिए जैसा कोई क्वेश्चन है, मतलब मैथमेटिकल आप यूज करिए, तो मान लीजिए यहाँ भी माइनस है, तब तो भैया माइनस माइनस प्लस होगा। लेकिन कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम तो होता है, लेकिन इसके आगे ऋण आवेशित होता है, इसलिए इसके आगे हम क्या लगाते हैं, ऋण लगाते हैं। इतना आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये रहा आपका, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका बनता है कभी कभी, देखिए बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है, और जो भी क्लासेज है आप एग्जाम देने जाते हैं वहां भी क्वेश्चन बनता है। इसे कह देगा, क्वेश्चन है कि चार्ज की गणना कीजिए, कह देगा कि कुल आवेश की गणना कीजिए, यदि किसी भी चीज में मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कह दिया कि ये एक पार्टिकल, ये क्या है, कोई मैटर है, कोई चीज है, ठीक है, इसमें कह दिया कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 5। 5 इलेक्ट्रॉन इसमें बह रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, 5। तो कह देगा चार्ज बताइए कितना होगा, क्या कह देगा, चार्ज बताइए कितना होगा। आपको क्या पता है, जो चार्ज होता है आपका, ये चार्ज, इसे आप क्यू भी कह सकते हैं, और चार्ज का यूनिट, ध्यान रखिएगा चार्ज को दिखाते हैं आप क्यू से, लेकिन चार्ज का यूनिट जो होता है वो आपका कहलाता है क्या, कूलाम।
और इस गुलाम को आप किससे दिखाते हैं, सॉल्ट में सी से दिखाते हैं, क्यू फॉर चर्च सी फॉर गुलाम, और गुलाम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। गुलाम क्या है, चार्ज का मात्रक है, क्या है, चार्ज का मात्रक है, यानी गुलाम से ही पता चलता है कि चार्ज कितना है, ठीक है, वो ही बताता है चार्ज के वैल्यू को, चार्ज की मात्रा को, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन मेरा था कि एक मान लीजिए छोटा सा छड़ है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक छड़ है और इसमें कुल इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन बह रहे, कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन बह रहे, तो चार्ज कितना होगा। तो देखिए एक चार्ज का जो क्वांटाइजेशन आपको जो पढ़ाया जाएगा ऐसे शॉर्ट में बता, एक फार्मूला होता है आपका, फार्मूला है क्यू इज इक्वल्स टू एन इंटू ई, ध्यान रखिए क्यू इज इक्वल्स टू एन इंटू ई, यानी कहा जाता है कि चार्ज जो होता है, चार्ज बराबर होगा नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये मेरा आपका फॉर्मूला रहा, ठीक है, आप इसे जल्दी से नोट कर लेंगे, मैं इसे सॉल्व करके आपको बताता हूँ, इतना रखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। चलिए क्वेश्चन क्या था, कुल कितने इलेक्ट्रॉन थे आपके, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 थी, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, लिख लीजिएगा चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम, लेकिन यहां पर क्या होता है माइनस, आपके पास फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, चलिए इसे स्मॉल में लिखते हैं, Q यानी चार्ज बराबर n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यही n कहलाता है, n मतलब क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या n के नाम से जानी जा रही है, और ये जो आपका e है, e क्या बताता है आपका चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। चलिए यहां पर चार्ज यानी Q बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आपके 5 गुणे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। अब इसे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका मल्टीप्लाई करिए आपका कितना हो जाएगा 8.0 माइनस 8.0 माइनस 8.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, यानी उसमें कुल कितना चार्ज होगा, इतना चार्ज होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, क्यू क्या होता है Q आपका चार्ज होता है, N क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या होता है आपका चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन,